प्यार से दिल भर दे। दोस्तों, बबीता अपने जमाने की मशहूर और बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों में शामिल है। दिल संभाले संभलता नहीं आज। बबीता हिंदी सिनेमा की दो कामयाब अभिनेत्रियों करिश्मा कपूर और करीना कपूर की माँ भी हैं। बबीता का जन्म 20 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। दोस्तों, साल 1971 में राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर के साथ शादी करने के बाद उनके जीवन में एक मोड़ आया। भौरे की गुंजन है मेरा दिल। और बबीता ने करियर को अलविदा कह दिया। जालिम तेरी जवानी कयामत। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। भीगी भीगी रातों में। दोस्तों, बबीता का करियर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन वह चमकदार रहा है। ओ सपनों की रानी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में फिल्म राज से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बबीता और राजेश खन्ना दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी, लेकिन बाद में 10 लाख सिनेमा घरों में राज से पहले ही रिलीज हो गई, इसलिए यही इनकी पहली डेब्यू फिल्म मानी जाती है। अपनी पहली फिल्म से बबीता ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। एक दिन ये इरादा बदल जाएगा चाहे। इसके बाद उन्होंने हसीना मान जाएगी, जीत, डोली और एक हसीना दो दीवाने जैसी कई हिट फिल्में दी। बागों में फूलों के मिले हैं। दोस्तों, जब बबीता का करियर चढ़ने लगा तो उन्हें राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर से प्यार हो गया। इस प्यार ने उनके करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं। रणधीर और बबीता की मुलाकात फिल्म संगम के सेट पर हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को 2 साल तक डेट किया। बबीता जानती थी कि कपूर खानदान में महिलाओं को शादी के बाद फिल्मों में काम करने की मनाही थी। जरा देख के चलना गोरी। तब रणधीर ने उनसे कहा कि या तो वह उनसे शादी कर लें या फिर रिश्ता खत्म कर दें। दोस्तों, रणधीर के पिता राज कपूर का कहना था कि अगर उनको रणधीर से शादी करनी है तो उन्हें अपने एक्टिंग करियर को छोड़ना होगा। बबीता रणधीर से बहुत प्यार करती थी और उन्होंने करियर को छोड़कर 6 नवंबर 1971 को पंजाबी रीति रिवाज से शादी कर ली। दांतों तले दबा कर होंठ आंखें करके पड़ी। शादी के बाद रणधीर का करियर ढलान पर जाने लगा। वह खूब शराब पीने लगे। तब बबीता ने उन्हें अपने घर से अलग कर दिया था। दोस्तों, बबीता ने अकेले दम पर अपनी दोनों बेटियों करिश्मा कपूर और करीना कपूर को पाला था। करिश्मा की परवरिश और इंडस्ट्री में उनके करियर को मुकाम दिलाने में बबीता की बहुत बड़ी भूमिका है। रणधीर और बबीता ने तलाक नहीं लिया था, इसलिए अलग होने के काफी साल बाद अब दोनों फिर से एक साथ रहने लगे हैं। परिवार के किसी भी कार्यक्रम में दोनों साथ नजर आते हैं। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की महान अभिनेत्री बबीता शिरदासानी कैसी लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।